दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आप सभी के लिए बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से, यानी शिक्षक भर्तियों को लेकर के। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल शिक्षा आयोग की जो नवनियुक्त अध्यक्ष हैं प्रोफेसर कीर्ति पांडे, उन्होंने कार्यभार ग्रहण कर लिया और प्राथमिक शिक्षक भर्ती का धरना भी था, उनसे वार्ता वगैरह भी हुई थी। तो क्या ऑफिशियल जानकारी है और आप लोगों के लिए क्या अपडेट्स हैं, इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, लिखा है कि अध्यक्ष ने भर्ती कैलेंडर बनाने का दिया निर्देश। तो देखिए, यहाँ बताया गया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने गुरुवार को शिक्षक दिवस पर कार्यभार ग्रहण कर लिया। कामकाज संभालने के बाद उन्होंने 4 घंटे तक सभी 12 सदस्यों और अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक में हर पहलू की जानकारी ली। लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं का ख्याल रखते हुए सबसे पहले उन्होंने भर्ती परीक्षा का कैलेंडर जारी करने के लिए कमेटी का गठन किया है। सदस्य डॉक्टर विनोद कुमार सिंह की अध्यक्षता में गठित कमेटी को 10 दिन के अंदर कैलेंडर बनाने को कहा है। उसके बाद होने वाली आयोग की बैठक में कैलेंडर का अनुमोदन करते हुए जारी किया जाएगा। आयोग के कामकाज को सुचारू करने के लिए पूर्व में गठित 9 कमेटियों के संबंध में पूछताछ करने पर पता चला कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की पूर्व सचिव रत्नप्रिया और वित्त अधिकारी मधुलिका सिंह की अध्यक्षता में गठित संपत्तियों के हस्तांतरण और दस्तावेजों के निस्तारण की कमेटियों की रिपोर्ट नहीं मिल पाई है। इस पर अध्यक्ष ने नवनियुक्त सचिव मनोज कुमार और वित्त नियंत्रक अखिलेश पाठक को दोनों कमेटियों की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके अलावा विज्ञापन संख्या 42 के तहत सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में, हालांकि 42 मुझे लगता है गलत लिखा है, विज्ञापन संख्या 51 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये 42 पुरानी भर्ती की बात की गई यहाँ पर। देखा कि विज्ञापन संख्या 42 के तहत प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 337 पदों पर 2008 में शुरू हुई भर्ती में रिक्त 138 पदों पर इंटरव्यू के लिए कमेटी गठित करते हुए रिपोर्ट मांगी है। टीजीटी जीव विज्ञान और टीजीटी कला के लंबित इंटरव्यू के संबंध में भी इस कमेटी से रिपोर्ट देने को कहा गया है। विधिक राय लेते हुए आगे की कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा विज्ञापन संख्या 50 के तहत अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की रसायन विज्ञान के 13 पदों का रिजल्ट शीघ्र जारी करने के लिए की भी कमेटी गठन करने की रिपोर्ट मांगी है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो पेंडिंग काम पड़े हुए हैं, ठीक है, उन पर जो है कमेटी बना दी गई है। जैसे चाहे टीजीटी जीव विज्ञान 2011 भर्ती का मामला हो, कला भर्ती का मामला हो, या फिर विज्ञापन संख्या 50 का मामला हो, या विज्ञापन संख्या 42 का मामला हो, जो भी पेंडिंग काम है उनको पहले पूरा किया जाएगा। उसी दिशा में जो अध्यक्ष है आगे बढ़ रहे हैं और कैलेंडर के लिए 10 दिन का समय दिया गया। 10 दिन के अंदर कैलेंडर बना करके देना है और उसके बाद उस कैलेंडर पर विचार विमर्श होगा और अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर इसको जो पब्लिश किया जाएगा। आगे देखिए, लिखा है कि भर्ती के लिए अध्याचन मंगाने का दिया निर्देश। नवनियुक्त अध्यक्ष ने बाहर प्रदर्शन कर रहे युवाओं के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की। अभ्यर्थियों ने परिषदीय विद्यालयों में 68,500 शिक्षक भर्ती में रिक्त रहेगा 27,713 पदों पर चयन के लिए विज्ञापन जारी करने की मांग की। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो पद रिक्त हैं उन पदों पर जो भर्ती करने की मांग की। इस पर अध्यक्ष ने उप सचिव को विभागों से संपर्क करते हुए अध्याचन मांगने के निर्देश दिए हैं। तो जैसा कि हमने कल शाम की वीडियो में आपको बताया था कि एक हफ्ते का समय दिया गया है, एक हफ्ते के अंदर ये शासन से पत्राचार करेंगी, परामर्श लेंगी, प्रस्ताव बना करके भेजेंगी और जैसा शासन अनुमति देगा उसी के अनुसार प्राथमिक शिक्षक भर्ती की दिशा में आगे आयोग बढ़ेगा। आगे लिखा कि परीक्षा नियंत्रक के लिए लिखेंगे पत्र। अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने नवगठित आयोग में परीक्षा नियंत्रक, विधि अधिकारी और उप सचिवों की नियुक्ति के लिए शासन को पत्र लिखने के भी निर्देश दिए हैं। अधिनियम में इन पदों का प्रावधान तो है लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं हो पाई है। आयोग को परीक्षा कराने के लिए परीक्षा नियंत्रक की आवश्यकता होगी, ऐसे में उसके लिए भी यहाँ पर पत्र लिखा जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ मेरा कुल मिला करके, जिस तरीके से अध्यक्ष ने कल कार्यभार ग्रहण किया और मीटिंग भी हो गई और इसके लिए जो आगे प्रक्रिया होनी चाहिए वो सारी प्रक्रिया का पालन यहाँ पर कल किया गया है और बहुत ज़्यादा समय भी नहीं दिया गया। 10 दिन 15 दिन का कमेटियों को समय दिया गया, उसके अंदर रिपोर्ट देने की बात कही गई है। तो मुझे लगता है एक पॉजिटिव डायरेक्शन में काम हो रहा है। अब आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
यहाँ पर भी देखिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के अपडेट है कि प्राथमिक शिक्षक के 97,000 पदों पर भर्ती की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों ने घेरा आयोग। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के कल धरना प्रदर्शन हुआ, आंदोलन हुआ, उसके बारे में आपको सारी अपडेट्स खुद दी थी और इसके लिए अध्यक्ष ने क्या कहा है उसकी भी मैंने आपको अपडेट दे दिया है कि यहाँ पर एक हफ्ते का समय लिया है अध्यक्ष ने और एक हफ्ते के अंदर जो भी सूचना होगी अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराई जाएगी। शासन से पत्राचार होगा, शासन जैसा कहेगा उसी अनुसार आगे आयोग बढ़ेगा। एक महत्वपूर्ण सूचना है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्तियों को लेकर के, लिखा है भर्ती में शामिल करने को प्रदर्शन। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती में अवसर देने की मांग को लेकर के एक बार फिर अभ्यर्थियों ने शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर गुरुवार को प्रदर्शन किया। जून एवं दिसंबर 2022 के संयुक्त सत्र जून 2023 एवं दिसंबर 2023 में UGC नेट उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों ने मांग की है कि विद्यार्थियों के हित में विज्ञापन संख्या 51 के आवेदन पोर्टल को एक बार फिर एक सप्ताह के लिए खोला जाए ताकि वह अभ्यर्थी जो उस समय प्रभावित हुए थे आवेदन नहीं कर पाए थे दोबारा से आवेदन कर दें। अगर ऐसा नहीं होता तो न्यायालय के शरण में जाने के लिए अभ्यर्थी कह रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि कोरोना के कारण परीक्षा सत्र नियत समय पर संचालित नहीं हो सके, परिणाम स्वरूप अनेक अभ्यर्थी नेट की तैयारी करने के बाद भी परीक्षा समय से आयोजित न होने से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वांछित योग्यता हासिल नहीं कर पाए थे और इसी वजह से वो लोग उस समय आवेदन नहीं कर पाए थे, तो दोबारा से पोर्टल खोल करके आवेदन करने की मांग उन्होंने रखी है। अर्धसैनिक बलों में सिपाही के लिए 39,481 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। SSC की तरफ से GD कांस्टेबल के लिए जो नोटिफिकेशन है वो कल जारी कर दिया गया है। कुल मिलाकर के 39,481 इसमें पद हैं। BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, असम राइफल, SSF और NCB में ये भर्तियाँ हो रही हैं। 18 से 23 वर्ष के अभ्यर्थी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। हाई स्कूल उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए ये मौका है। 14 अक्टूबर आवेदन करने के लास्ट डेट हैं। SSC की वेबसाइट पर जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं। उधर 69 शिक्षक भर्ती को लेकर के अपडेट है कि 69 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों को CM से वार्ता का मिला आश्वासन। हाईकोर्ट डबल बेंच के आदेश का पालन के लिए लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे 69 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के आवास का घेराव किया। अभ्यर्थी हाईकोर्ट के फैसले का पालन करने और नियुक्ति देने की मांग कर रहे थे। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों से मुलाकात की। उन्होंने अभ्यर्थियों की समस्याएं सुनी और ज्ञापन लिया। राजभर ने आश्वासन दिया कि वे अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 7 सितंबर को करवाएंगे। इस मामले का समाधान जल्द ही किया जाएगा। CM से मिलने के लिए उन्होंने 5 अभ्यर्थियों के नाम भी मांगे। तो कुल मिलाकर के छात्रों को आश्वासन मिला कि मुख्यमंत्री से उनकी वार्ता होगी। उधर सुप्रीम कोर्ट में 9 सितंबर को सुनवाई की डेट लग गई है इसी 69 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के। जो कुछ भी अपडेट्स होंगे हम आपको ज़रूर देंगे। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।